केपॉप की बहुत फेमस स्टार लीजा जो है, जो सबकी तकरीबन फेवरेट है और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं उनके ट्रेंडी लुक ज़रूर क्रिएट करती हूँ। पहले मैंने उनके बहुत सारे लुक क्रिएट किए हैं और ये भी मैंने रिक्रिएट किया है उनका लुक। एक रॉक स्टार उनका न्यू ट्रेंड चला है, उस पर मैंने ये लुक बनाया है। जर्नी मैंने 4 साल पहले स्टार्ट की थी और उस वक्त भी ये काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा था, तो मैंने ट्रेंड फॉलो करते करते ही ये स्टार्ट किया और जब ये वायरल हो गई तो मैंने इसी को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन तो मुझे कॉस्ट्यूम पे लगा, मैंने इस पर ड्रॉ किया है खुद से, क्योंकि मुझे इस प्रिंट का कहीं नहीं मिल रहा था कुछ भी। पहले मैंने ढूंढा है शॉप्स पे जाके, पहले प्रिंट ढूंढा है, नहीं मिला, देन मैंने इसको खुद से ड्रॉ किया और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मेकअप किया, लुक बनाया, जिसमें मुझे 3 आवर्स लगे। ज़्यादातर मेरा मेन फोकस बॉडी पेंट पे होता है और बॉडी पेंट में मुझे 12 आवर्स ऐसे लग जाते हैं, उसमें बहुत डिटेल से मुझे करना होता है और फिर मैं उस पर डेकोरेट भी कर रही होती हूँ चीज़ें और मैं उस पर प्रॉप्स भी बनाती हूँ, हेड पीस वगैरह, तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है। अक्सर कॉस्ट्यूम होते हैं किसी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक, तो फिर उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो जो मैंने अपना ओन सेल्फ थॉट बनाया था वो था डेविल वर्सेस एंजल। मैंने एक सीरीज़ बनाई थी पूरी, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बॉडी पेंट और मैंने बहुत सारे प्रॉप्स वगैरह यूज़ किया था, तो बहुत वो वायरल हुई थी। और अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी करेक्टर के ऊपर बनाया था, मैं ज़्यादातर मूवी करेक्टर के भी कॉस्प्ले करती हूँ, तो मैंने कोको एक कार्टून है उसके मैंने करेक्टर्स बनाए थे, तो वो काफ़ी वायरल हुई थी। पबजी के साथ मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है इसको भी, और बहुत से मैं उनके गेम्स के कॉस्प्ले करती हूँ, कॉस्ट्यूम खुद ही बनाती हूँ, सब कुछ गन बनानी होती हैं, उसमें भी प्रॉप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एंड देन फिर वो लुक कंप्लीट होता है 15 सेकंड की वीडियोस। अभी मैंने रिसेंटली पायरेट्स का किया था और वैसे अलग अलग थीम उनके होते हैं, फिर अलग अलग थीम के हिसाब से फिर कॉस्ट्यूम मुझे बनाना होता है। अभी मेरी रिसेंट बिल्कुल एक तो ये कोको और दूसरा ये 14 अगस्त का मैंने बनाया था, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। वो चली ही इंडिया में है ज़्यादातर ना, तो लोग वो भी कह रहे थे कि बनाई इसने पाकिस्तान के लिए थी, चल इंडिया पे रही है। वो मैंने 14 अगस्त पे बनाया था, वो वैसे मैं मेरा जो प्लान था मैंने वो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने थोड़ा लाइट करने की कोशिश करी थी, पर मेरा लाइट भी काफ़ी हैवी होता है, तो ये हुआ था कि वो वायरल हो गई। अच्छा, मेरा कोई मुझे नहीं पता था कि वो वायरल होगी, वो इत्तेफाक से वायरल हो गई, टिकटॉक पे भी वायरल हो गई, वो इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर रीच आई ही इंडिया से है। सही, मतलब इंडिया में फॉलोअर्स ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा, मुझे उसमें 2 मिलियन रीच आई है और टिकटॉक में भी 2 मिलियन जाने वाली है। अब टिकटॉक से तो अर्न नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है पाकिस्तान में, बाकी सब जगहों में मुल्कों में कर रहे हैं, पर हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ है मोनेटाइज, तो पाकिस्तान में तो नहीं है अर्निंग टिकटॉक पे। और इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली अर्निंग नहीं है ऐप से, बट ये है कि हम कोलाब्रेशन वगैरह करते हैं तो उससे फिर अर्निंग हो जाती है। तो मैंने हॉरर लुक बनाया था और उसमें मुझे इतना टाइम लग गया था, उसमें 24 आवर्स लग गए थे। अक्सर ऐसा होता है मुझे रोना आ रहा होता है, मैं थकन से मेरे वो हुआ था फ्रैक्चर कॉलर बोन शोल्डर पे ना, तो 3 फ्रैक्चर हुए थे बल्कि, तो उसके वजह से ना मैं ज़्यादातर बैठती हूँ ना तो फिर मेरे तक बहुत पेन होने लग जाता है, तो मैं फिर गिवअप नहीं करती क्योंकि बहुत सारी मेहनत लग चुकी होती है उस पर। गिवअप मैंने कभी भी नहीं किया, पर यह कि अक्सर ऐसा होता है कि रोना आ रहा होता है मुझे। मेरे ख्याल से तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोग जानते हैं, सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, और टिकटॉक पे भी मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिक मिली, एक तरह से इक्वल फॉलोअर्स मेरे इक्वली हैं और व्यूज़ भी काफ़ी इक्वली आते हैं, पर यह है कि ज़्यादा मुझे जो फेमस जो लोगों ने जाना है वो इंस्टाग्राम से जाना है। न्यू आई थी इस फील्ड में तब तो मुझे बहुत बुरा लगता था जब मुझे हेट कमेंट्स वगैरह आते थे, मैं दिल पे लेके बैठ जाती थी, पर तो मुझे इसकी आदत हो गई, मुझे समझ आ गई कि हर किसी का नज़रिया अलग है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। हाँ, बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं, पर यह कि अब मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, और अब यह होता है कि मैं ज़्यादातर डिलीट कर देती हूँ ऐसे कमेंट्स, या फिर मैं ऐसी छोड़ ही देती हूँ, मेरा कमेंट सेक्शन बढ़ता रहता है। तो अब यह है कि अब मैं डिलीट नहीं करती, अब मैं कमेंट सेक्शन भर रही होती हूँ अपना, बस जैसे भी कमेंट्स आ जाएँ, प्यार मुझे ज़्यादा मिलता है। हेट 1-2 आ जाता है तो उसको डिलीट करने में तो कोई मुश्किल नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा हेट नहीं मिलता।
सोचती तो हूँ, पर अब इतना प्यार मिलता है ना कि मैं उसी खुशी में खुश हो जाती हूँ, फिर भले मुझे इतनी अर्निंग नहीं हो रही हो, पर यह कि मुझे उस ऑडियंस का प्यार मिल जाता है, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। वाह।